लिखाई का इंतजाम और किस तरीके से पढ़ाई हो, शिक्षा कैसी हो, उस पर भी दोबारा सोचना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी का मानना है कि बिना प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर किए संभव नहीं है जो हम अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ाई उस तरह की नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन वो नहीं है जिस तरह की नौकरियां, जिस तरह के रोजगार आज बाजार में हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमें शिक्षा के बारे में भी सोचना पड़ेगा, और पढ़ाई के साथ साथ हमारा नौजवान न जाने कितना कोचिंग पर पैसा बर्बाद कर देता है, जितनी फीस नहीं देता, फीस से कई गुना ज्यादा वो कोचिंग करते करते अपना पैसा बर्बाद करता है, मां बाप का पैसा बर्बाद करता है, उसके बाद भी नौकरी रोजगार उसके हाथ नहीं आती। इसलिए रोजगार का इंतजाम कैसे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कैसे हो, बड़े बड़े काम जब तक नहीं होंगे, सरकार ये दावा करती है कि हमने एयरपोर्ट बनाए, हमने सड़कें बनाई और एक दिन में इतनी सड़कें बन गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, FDI आया, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अगर ये सब कुछ होता तो नौकरियां मिलती, समाजवादी लोगों ने कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर पे करके दिखाया, देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे दिया, देश का सबसे बेहतरीन पुलिस रिस्पॉन्स सिस्टम दिया, अपनी बेटियां बहनों के लिए सबसे बेहतरीन 1090 दिया, और गोल्डन रेवोल्यूशन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि किसान खुशहाल तभी होगा जब उसका पूरा का पूरा कर्ज माफ हो जाए। समय समय पे जो जो सरकारें चुनाव में गई उन्होंने वादे किए किसान को और कहा कि हम कर्जा माफ करेंगे, लेकिन नियम ऐसे बना दिए कि किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए। हम उदाहरण में नहीं जाना चाहते, ना उत्तर प्रदेश के उदाहरण में जाना चाहते हैं, ना मध्य प्रदेश के उदाहरण में, लेकिन किसान का पूरा कर्ज माफ हो, इस पक्ष में हम लोग हैं। और MSP कैसे मिलेगी, मुझे याद है कि बीजेपी की सरकार के मुखिया यहीं पर आकर के कहा कि MSP मिलेगा हर फसल का, लेकिन किसी फसल का MSP नहीं मिला, और कहां मिलेगा वो आज तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बताया। नेशनल सिक्योरिटी पे बात है हमारी कि नेशनल सिक्योरिटी पे हम क्या करना चाहते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी पे हम क्या क्या किए हैं, हमें क्लीन एयर कैसे मिलेगी, जमीन कैसे हमारी साफ रहेगी, नदियां कैसे साफ होंगी, और बिना महिलाओं को बराबरी का सम्मान दिए हम आधा अधूरा विकास समझेंगे। इसलिए हमारी बेटियों को, बहनों को और महिलाओं को बराबर का सम्मान मिले, तभी जाकर के हमारा समाज और देश खुशहाल होगा। जो सवाल आपने पूछा है बीजेपी के लोग ये बता दें, लोकसभा में हम भी थे, जिस पर उंगली उठा रहे हैं, जिस आतंकवादी पर आप सब सवाल खड़े कर रहे हैं, और आतंकवादी है वो, अगर दुनिया में उसकी पहचान है तो आप उसको घोषित क्यों नहीं करा पाए हैं, आप चीन के दबाव में क्यों आ रहे हैं, आपका डिप्लोमेसी क्यों फेल हो रही है, और देश को यह भी बता दे भारतीय जनता पार्टी कि आखिरकार हवाई जहाज में बैठा करके उसको कौन छोड़ने का काम किया था, और सरकार जब इतना कुछ जानती है तो यह भी बता दे कि उस आतंकवादी को किसने पकड़ा था, और जब पकड़ा गया था तो उस आतंकवादी को पकड़ने में किसकी जान गई थी। इसीलिए अगर आप ये घोषणा पत्र हमारा देखेंगे तो हमने मांग की है कि घोषणा पत्र या डॉक्यूमेंट या जनता के बीच में ले जाने की बात, क्योंकि आप अगर मैं घोषणा पत्र बोलता हूं तो कहेंगे कि क्या आप सरकार बना रहे हैं, इसलिए ये जनता और कार्यकर्ता के बीच में हम क्या कहें, क्योंकि नेशनल चुनाव होने जा रहा है, विजन डॉक्यूमेंट कहें हम, अपनी दृष्टि कहें हम, अपनी कहें प्रकल्पना कहें हम, अपना मैसेज कहें, तो इसीलिए हमने ये भी कहा है इसमें कि बहुत दिनों से मांग थी कि यही रेजिमेंट बने, और वही इस डॉक्यूमेंट में जब आप देखेंगे तो गुजरात रेजिमेंट भी बने, ये भी हमने मांग की है। एक समय हमने ये भी मांग की थी कि एक्सप्रेसवे के किनारे कैंटोनमेंट बनना चाहिए, लेकिन
कैंटोनमेंट बनाने के लिए सरकार ने कुछ नहीं कहा, कहा कि हम कैंटोनमेंट बनाने की हमारे पास कोई योजना नहीं है। हम वही अगर ये कहें कि जो बात डिफेंस कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे जो बड़े एग्जिस्टिंग हैं, तो कम से कम हम पत्रकार साथियों से कहेंगे कि ये भी बता दें कि जो आतंकवादी सबसे बड़ा है जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटनाएं हुई, आखिरकार किसने छोड़ा और कौन लोग उसको हवाई जहाज में बैठा करके छोड़ के आए थे। हमारा जो कुछ मानना है यही है और उत्तर प्रदेश का जो काम है वही हमारी क्रेडिबिलिटी भी है, वही काम कैसे बढ़े। मान लीजिए समाजवादी पेंशन के बारे में कहा कि 3,000 रुपए होनी चाहिए समाजवादी पेंशन, अभी विकलांग को पेंशन कुछ मिलती है, विधवा को कुछ मिलती है। अगर हमारा 2017 का घोषणा पत्र पढ़े तो ये कहा गया था कि जितनी भी पेंशनें हैं उन सबको एक साथ करके और 1,000 रुपया कम से कम कर दिया जाएगा। वो प्रदेश सरकार का हमारा था घोषणा पत्र, लेकिन अब हम ये चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट में, इस विजन डॉक्यूमेंट में कि 3,000 रुपए समाजवादी पेंशन हो। अभी विकलांग को कुछ देती है केंद्र सरकार, विधवा को कुछ देती है, और अगर हम ग्राम सभा के स्तर पर देखें नौकरी करने वाले, आप चौकीदार की बात करते हो, तमाम चौकीदार सरकारी नौकरी मांग रहे हैं, वो आपने कभी नहीं उठाया सवाल। ये समाजवादी पार्टी का विजन है, समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता नेता जनता के बीच में लेकर के जाएंगे और समय समय पर जहां कहीं प्रेस सवाल जवाब करेगी तो इसमें से जवाब दिए जाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे डायनामाइट न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।